भारत आए अमेरिकी विदेश मंत्री पोम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर 2+2 की मीटिंग जारी, कई अहम समझौतों पर लगेगी मुहर। लंबे समय से अटके बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर होंगे हस्ताक्षर। विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले अमेरिकी विदेश सचिव माइक पोम्पियो। दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर हुई बातचीत। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी की मुलाकात। बैठक से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री पोम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर पहुंचे वॉर मेमोरियल, अर्पित की शहीदों को श्रद्धांजलि। हाथरस कांड में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, एक बार जांच पूरी होने पर ही किसी और राज्य में ट्रांसफर होगा केस। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच और पीड़ितों को दी गई सुरक्षा पर जताया भरोसा। हाथरस केस पर सुप्रीम कोर्ट का निगरानी से इंकार, कहा हमें जांच की निगरानी की जरूरत नहीं। हाईकोर्ट कर रहा है सभी पहलुओं को मॉनिटर। हरियाणा में ताक पर कानून व्यवस्था, बल्लभगढ़ में अपहरण के दौरान सरेआम हुई बीकॉम की छात्रा निकिता की हत्या। I-20 सवार युवकों ने निकिता को गाड़ी में जबरन बैठाने की कोशिश की, इनकार करने पर मारी गोली, मौके पर हुई मौत। बीकॉम का पेपर देकर कॉलेज से निकली थी निकिता, इस दौरान मारी गई गोली। छात्रा के जमीन पर गिरते ही कार में फरार हुए थे आरोपी। पुलिस ने बल्लभगढ़ हत्याकांड के एक आरोपी को पकड़ा, तौफिक नाम के आरोपी की हुई गिरफ्तारी। पाकिस्तान में पेशावर के मदरसे में बम धमाका, 7 लोगों की मौत, 70 घायल। पाकिस्तान के पेशावर में बम धमाका हुआ है। इस धमाके में लगभग 7 लोगों की मौत हो गई है और 70 लोगों के घायल होने की खबर है। पाकिस्तान पुलिस ने इस धमाके को लेकर जानकारी दी है। पुलिस ने बताया कि पेशावर की देर कॉलोनी में एक मदरसे में एक बम धमाका हुआ है, इसमें 7 लोगों की मौत हो गई है। अभिनेत्री मालवी मल्होत्रा पर जानलेवा हमला, धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती एक्ट्रेस। मालवी मल्होत्रा का मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में इलाज चल रहा है। बीती रात मालवी मल्होत्रा के एक पुराने दोस्त ने उन पर जानलेवा हमला करते हुए चाकू से शरीर पर किए 3 बार।